ना दिल को लगाते न हैरान होते ना दिल को लगाते ना हैरान होते काश हम मोहबत से अनजान होते अनजान होते एक ऐसी खुशी है जो गम ले के आई मोहब्बत के बदले मिली है जुदाई जमाने की रश्मों से ये दिल बेखबर था मेरा साथ देने में अगर तुमको डर था तो पहले न मेहरबान होते मेहरबान होते ना दिल को लगाते ना हैरान होते हेलो फ्रेंड्स दिस इज विजयराज पुष्प वेलकम टू लर्नर आईज वाई वी आर पी तो आइए आज हम लोग देखेंगे सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि बाइगोस्की के द्वारा दिया गया है तो आज हम लोग देखते हैं लेव बायोगी का सोशियो कल्चरल थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सबसे पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं कि आपके लिए सीडीपी का बहुत सारे वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दूसरी बात आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको भी फायदा होगा लोगों को भी फायदा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा जाद से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा पहले आप पूरा वीडियो देखिए अगर आपको लगे कि यह सबसे अच्छा वीडियो है सबसे अच्छा आपको लगे आपको समझ में आए तभी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो बने रहिए और स्किप करके मत वीडियो देखिएगा तो आइए एक एक लाइन समझने का प्रयास करें सबसे पहले आज जो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपको पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी समाज में जो संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज है परंपरा है उसी से बच्चे में विकास होता है बायोगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास चूंकि बायोगोस्की का सिद्धांत जो है वह संज्ञान से जुड़ा हुआ है संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है बच्चे कैसे सोचते हैं बच्चे कैसे समझते हैं तर्क करते हैं ये सारा चीज़ का डिस्कस करेंगे अनंतिकरण अनंतरीकरण इंटरलाइजेशन की बात करेंगे भाषा का विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे जेडपीडी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ढांचा निर्माण जिसे पार भी कहा जाता है सीढ़ी भी कहा जाता है एस्कैप होल्डिंग ओ मोर नॉलेज अदर यानी आपसे बेहतर जानने वाला ज्यादा जानने वाला या आपसे ज्यादा जानने वाला जो है वह मदद करता है किसी को तो एम के ओ तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके शुरुआत करते हैं तब तक बी तो आइए देखते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो आप पाठ देख रहे थे आप जनरली देख रहे थे कि चूंकि ले गोस्की जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं यानी बच्चा जो होता है समाज और संस्कृति से ही सीखता है तो देखिएगा और उन्होंने एक बात के संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसके बारे में संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है संज्ञानात्मक का मतलब संज्ञान और संज्ञान का मतलब होता है आपके सोचने आपके समझने और आपके तर्क लगाने और आपके कारण बताने तो ये सारा जो चीज़ है ये किससे रिलेटेड होता है संज्ञान से रिलेटेड होता है आपका जो संज्ञान होता है वह उनका अगर विकास चाहते हम इन इन गुणों का अगर विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन कारक जो होता है सबसे ज्यादा आपका जिम्मेदार होता है कौन कौन होता है एक होता है आपका कल्चर आपकी संस्कृति आप जिस परिवेश में रहते हैं आप जिस पीढ़ी के द्वारा बनाए गए मूल्यों नीति रीति रिवाज संस्कृति जो होते हैं उसी के अनुसार बच्चे का भी संज्ञान का विकास होता है मान लीजिए कि आपकी संस्कृति जो है सुबह उठकर और पूजा पाठ करने के तो बच्चे भी वही सीखते हैं बच्चे का भी संज्ञान का विकास उसी प्रकार से होता है अगर किसी के घर में उठने के बाद अगर लड़ाई झगड़े की बात होती है तो क्या होगा उस बच्चे का भी संस्कृति के अनुसार ही संज्ञान का विकास होगा और दूसरा जो इसका फैक्टर होता है वह होता है हमारी सोसाइटी सभी को पता है कि बी आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हम लोग अपने समाज का ही हिस्सा है एंड मैन इज अ सोशल एनिमल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अरिस्टोटल के अनुसार तो जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में ही तो उसका विकास होता है ना जिस प्रकार के वह वा वातावरण में रहेगा जिस प्रकार के माहौल में रहेगा जिस प्रकार के उसके आसपास के लोग होंगे उसी प्रकार के बच्चे का संज्ञान का विकास होगा और तीसरा आता है आपका भाषा यानी लैंग्वेज यह भी जो होते हैं इसका मुख्य कारक होता है आपके संज्ञान के विकास का भाषा आप जिस प्रकार के भाषा में रहते हैं उसी प्रकार के बच्चे का संज्ञान का विकास होता है आप हिंदी वाले में रहेंगे तो हिंदी जैसा या आपके घर में अगर गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे का भी विकास गलत लैंग्वेज की तरह होगा तो ये तीन कारक जो होते हैं संस्कृति समाज और भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं और यही जो है तीन कारक जिस पर हमारा संज्ञान का विकास होता है तो अगर चाहते हो कि आपके बच्चे का संज्ञान का विकास अच्छी तरीके से हो तो आप उसे अच्छे कल्चर में पालिए आप उसे अच्छे समाज में रखिए और अच्छे भाषा का हमेशा प्रयोग कीजिए यानी वैसे स्थान पर बच्चे को रखिए जहाँ पे हमेशा अच्छे वर्ड्स का एक बढ़िया सा कह सकते हैं कि व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तो देखते हैं अगला है आपका अनंतरीकरण इंटर इंटरनलाइजेशन देखिएगा इंटरनलाइजेशन जो होता है ये क्या होता है अनंतरीकरण का मतलब ही होता है कि बच्चे जो होते हैं जब बाहर से अंदर की ओर विकास करते हैं आप सभी को पता है कि बच्चे का जो विकास होता है उसके वातावरण के अनुसार होता है उसके आसपास के लोगों के व्यवहार के जैसा वह अवलोकन करके सीखता है तो कहते हैं हमारे वागोष्ठकी महोदय कि बाहर बाहर यानी कौन से वातावरण या पर्यावरण से अंदर की ओर यानी बच्चे के आंतरिक दिशा में होने वाले विकास जो होते हैं उसी को बायोस्की ने इंटरनालाइजेशन कहा है यानी जो कुछ भी वातावरण से आपके अंदर की ओर जो विकास होते हैं यानी बाहर के वातावरण के कारण जो आपके आंतरिक भागों में विकास होता है उसी को इंटरनाइजेशन कहा जाता है इंसान से बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है यानी एक मनुष्य दूसरे से क्या करता है जो बाहर होती है क्रियाकलाप या जो कुछ भी उसको अवलोकन करता है और अपने भीतर फिर उसको क्या कर लेता है आत्मसात कर लेता है यानी जोड़ लेता है उसमें जो उसके पास पहले से ज्ञान है उसी में उसको और जोड़ा और वह सीख जाता है जैसे बच्चा अपने माता पिता की भाषा को आत्मसात कर लेता है मान लीजिए कि अगर उसकी माँ है उसकी जो मदर है अगर वह हिंदी का प्रयोग करती है तो उसके बच्चे भी क्या करते हैं चाइल्ड भी हिंदी बोलना सीख लेता है लेकिन अगर मान लीजिए कि मदर का लैंग्वेज हिंदी है फादर का लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या कौन सी भाषा का यूज करें लेकिन जब दोनों का भाषा अगर हिंदी हो या इंग्लिश हो तो बच्चे को चूंकि वहां पे माहौल मिला उस तरीके का वातावरण मिला तो वह क्या किया उसे आत्मसात कर लिया और उस भाषा को बोलना सीख लिया तो इंटरनलाइजेशन जो होता है अनंतरी जो होता है वह सिंपली सी बात है कि वातावरण से आपके अंदर जो कुछ भी विकास होता है वही आपका अनंतरीकरण कहलाता है देखते हैं अगला गौर कीजिएगा ZPD जिसका फुल फॉर्म होता है द जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा ZPD आखिर होता क्या है तो सिंपल समझिएगा कि जो बालक होता है या जो बच्चे होते हैं हमारे वो थिंक्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन तो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसको बच्चा खुद से अपने से कर लेता है उसे किसी के मदद की जरूरत नहीं होती है तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बच्चे खुद से समस्या को हल कर सकते हैं उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती है लेकिन ये जो आपका जोन अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट यही क्षेत्र है ये जो क्षेत्र यहाँ तक यानी थिंग्स द लर्नर कैन डू बिथ हेल्प अगर आप किसी के हेल्प से यानी जब इस बच्चे को मदद दी जाती है इस बच्चे को सहायता दी जाती है सहयोग किया जाता है कुछ बताया जाता है तो इस काम को करने में सक्षम हो जाता है समस्या को समाधान कर लेता है तो जो आपने हेल्प दिया सहयोग दिया मदद दिया वही उसका कहलाता है स्कैप होल्डिंग पार ढांचा या सीढ़ी जिसको आप कहते हैं लेकिन जो बच्चा किसी काम को खुद कर सकता है और जो ये मदद दी गई है उसके सहयोग से जहां तक वह कर सकता है इस दोनों के बीच का जो अंतर होता है यही अंतर क्या कहलाता है स्कैप होल्डिंग या पार या ढांचा यानी मदद देने के बाद जो समस्या को समाधान किया और जो बच्चा खुद कर सकता था बिना मदद का दोनों के अंतर ही कहलाता है स्कैप होल्डिंग गौर कीजिएगा मान लीजिए कि आपने बच्चे को बच्चा मान लीजिए कि पहले से दो और दो बराबर चार जानता था लेकिन बच्चे दो गुने तीन बराबर छ नहीं जानता था तो जैसे ही आपने बताया बच्चे ने इसे सीख लिया आपने जो मदद दिया जिसके बदौलत वह गुना को बना लेता है वही तो आपका स्क्रैप होल्डिंग है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब आप बचपन में थे या कोई भी बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो आप क्या करते हैं पीछे से उसको पकड़े रहते हैं और कब तक हेल्प देते हैं जब तक कि बच्चा सीख ना जाए लेकिन बच्चा पहले साइकिल को घुमा लेता था थोड़ा दूरी उसको ले जाता था लेकिन वह चला नहीं पा रहा था जैसे ही उसे ज्यादा जाने वाले एम के ओ मोर नॉलेज अदर यानी उसे ज्यादा जाने वाले व्यक्ति ने जब उसको मदद किया तो वह चलाना सीख गया साइकिल आप उसे छोड़ भी देंगे तभी बच्चा साइकिल चलाएगा तो ये जो मदद दे रहे हैं स्कैफोल्डिंग लेकिन बच्चे को जो आपकी मदद के कारण जो साइकिल चलाने आया और जो पहले बच्चा नहीं चला पा रहा था दोनों के बीच का अंतर निकल आता है आपका द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी लेकिन कुछ ऐसी भी तो क्षेत्र होता है जहां पे बच्चा पहुंच ही नहीं सकता थिंक्स द लर्नर कैन नॉट डू बच्चा नहीं कर सकता है आप चाहे उसे कितना भी मदद क्यों ना कर ले आप चाहे उसको कुछ भी कर ले लेकिन वह उस काम को नहीं कर पाएगा जैसे अगर हम मान लीजिए कि क्लास टू का बच्चा है और अगर हम उसे चाहते हैं कि पाइथागोरस पर में पढ़ा दे तो क्या बच्चा समझ पाएगा क्या बच्चा उसे सीख लेगा तो नहीं सीख पाएगा तो एक ऐसी बालक स्थिति थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू जहाँ पे लर्नर जो होते हैं सीखने वाले वह वा पहुँच ही नहीं सकते उसे हम लोग इस लेवल के अंतर्गत रखते हैं देखते हैं बैगोस्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता ध्यान दीजिएगा कहता है महोदय कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले जो वास्तविक विकास के स्तर और किसी ध्यान दीजिए मान लीजिए कि यह है आपका वास्तविक विकास तो जो यह है आपका वास्तविक विकास जिसमें बच्चे में क्या होता है खुद से समस्या को समाधान करने की क्षमता होती है और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में यहां पे जब कोई एम के ओ मोर नॉलेज अदर यानी आपसे ज्यादा जानने वाले यानी किसी व्यक्ति के निर्देशन में बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का जो अंतर होता है यानी इन यहां पे देखिए आप यहां से बात कर रहे हैं तो इस ये पूरा में से जो आप एक यहां तक की बात कर रहे हैं ये तो है आपका कौन सी विकास ये तो है जो मदद दे के आप करते हैं और यह है जो वास्तविक होता है और दोनों का जो अंतर होते हैं उसी को संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है यानी जेडपीडी यही होता है आपका यानी खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का जो अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है अब समझिए इसका फोल्डिंग थोड़ा सा और जिसे ढांचा निर्माण पार या सीढ़ी के नाम से आप जानते हैं तो ये जो स्कोप फोल्ड इसका फोल्डिंग होता है वह हमेशा के लिए मदद नहीं दी जाती है मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा

वह जो होता है क्या वो जो होता, टेम्पोरेरी होता।, और उसका मदद होता है हेल्प होता है अगर कुछ समय के बाद बच्चे को जब वह करना सीख जाता तो हम उस सहायता को हटा लेते हैं तो भी बच्चा उस काम को करना अब खुद से करने लगता है तो ये जो हेल्प होती है या तो हिंट के रूप में क्यूज के रूप में या सपोर्ट या हेल्प के रूप में होती है यानी आप या तो संकेत इशारा भी दे सकते हैं या आप उसे मदद कर सकते या सहारा तो यही आपका स्कैप होल्डिंग लेकिन ये जो देने का काम करेगा हिंट हो, हो हेल्प या सपोर्ट वो कौन करेगा तो बाई टीचर करेगा यानी या आपका ग्रुप होगा या आपसे जो बड़े होंगे कौन MKO, जो मोर नॉलेज अदर होंगे जो आपसे ज्यादा जानने वाले होंगे वही तो आपको मदद पहुंचाएंगे ना तो ये होता है आपका स्कैप होल्डिंग यानी स्कैप फोल्डिंग में मोर नॉलेज अदर पर्सन का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो तभी तक देते हैं जब तक वह सीख न जाए जब सीख जाता है उस मदद को फिर हटा ली जाती है जो हमारे बाइगोस्की महोदय हैं वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का एक साधन जो होती है वह भाषा होती है यानी भाषा जो होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तो भाई गोस्की ने भाषा के तीन रूप दिए सोशियल स्पीच प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच देखिएगा सोशियल स्पीच सोशल स्पीच माने क्या होता है जब आप समाज के लोगों के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ अपने परिवार वालों के साथ जब आप संवाद करते हैं यानी आप जो बाहरी बात करते हैं बाहरी संवाद करते हैं उनके साथ कैसे बोलते हैं कैसे व्यवहार करते हैं वो कहलाता है सोशियल स्पीच बाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा खुद से ही बातें करता है समस्या पर खुद ही हल निकालने के लिए वह जब खुद से बात करना शुरू कर देता है तो वह कहलाता है प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जब मन ही मन जब मुंह से आवाज नहीं निकलती है और मन ही मन वह सोचता रहता है मन ही मन बात करता है तो उसे इनर स्पीच हम लोग कहते हैं सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज टू टॉक टू अदर्स जब हम बाहरी संवाद का प्रयोग करते हैं टॉक टू अदर्स दूसरे के साथ वार्तालाप करने के लिए तो उसे सोशल स्पीच कहते हैं जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आई और आप बड़ों से या किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर जो बातें कर सला रहे, 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 रहे सलाह ले रहे राय मशवरा ले रहे हैं तो ये सारा के सारा जो होता है आपका सोशल स्पीच के अंतर्गत आएगा प्राइवेट स्पीच होता है कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू सी एंड सर्व फंक्शन जब आप अपने आंतरिक जो कारक है उसके माध्यम से जब खुद में ही बातें करते हैं अपने आप से बातें करते हैं तो ये कहलाता है प्राइवेट स्पीच बाइगोस्की के अनुसार और इनर स्पीच होता है ज एंड थॉट यूनाइट टू प्रिपेयर फॉर दोशियल स्पीच जहां पर आपका भाषा और जो आपकी विचार है दोनों इकट्ठे होकर प्रिपेयर करते हैं सोशियल बच्चे मन ही मन बात करता है खुद से ही बात करता है लेकिन इसमें आवाज नहीं होती है। तो याद रखिएगा यह जो प्राइवेट स्पीच है यही क्वेश्चन कई बार आया है वह बाइगोस्की ने दिया ले तो प्राइवेट एसपीज की अगर बात करेगा तो आप देंगे बाई गोश्की की बात करेंगे तो देखते हैं सहयोगपूर्ण सीखना क्या होता है ध्यान दीजिएगा बाई हैं कि बच्चे जो होते हैं एक समूह में एक सहयोग से सीखते हैं तो आप बच्चे को क्या कीजिए एक टीचर होने के नाते उसे छोटे छोटे समूह में बांट दीजिए और उस छोटे छोटे समूह में आप कुछ समस्या दीजिए और आप एक फैसिलेटर की तरह काम कीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए अपना वह विचार देने के लिए तो वह जो एक टीम भावना के साथ काम करेगा वही कलाता सहयोगपूर्ण सीखना छोटे छोटे ग्रुप में टीम में काम करवाया जाए और प्रोजेक्ट दिए जाए बच्चा खुद करे अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा विशेषता क्या है इसकी सबसे पहले अगर इससे बच्चा जो होता समूह में काम करना सीख जाता है बच्चे एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान कर लेते हैं नहीं क्योंकि ग्रुप में होते हैं तो पांच बच्चे अगर इस ग्रुप में है, तो पांचों बच्चे अपने अपने राय देंगे और उस पांचों राय को क्या करेगा वह जो होंगे बच्चे वह एक समूह की तरह काम करेगा बच्चे समाधान खुद निकाल लेंगे बाल केंद्रित होंगे इसमें बालक आप टीचर है तो आप उन्हें किसी भी प्रकार के अब सहयोग ना दे आप फैसिलेटर की भूमिका में रहे और आपका काम है समस्या देना और बच्चा खुद जो है अपने ग्रुप के माध्यम से विचार करते हुए समाधान करेंगे सभी बच्चे नए नए विचार देंगे क्योंकि पांच बच्चे तो सभी का अपना अपना विचार होगा सृजनात्मकता बनेगा और सभी अपने अपने योगदान भी दे पाएंगे तो ये होती है सहयोगपूर्ण जो सीखने की विशेषताएं हैं तो आज बस इतना ही मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ तब तक टेक केयर बी इन्जॉय थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत